तो हेलो मॉडरेटर फैमिली। तो दोस्तों फाइनली बजाज अब NS200 के साथ साथ अपनी NS160 को भी नए अपडेट के साथ इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाली है। इस बाइक की सारी डिटेल्स लीक हो चुकी हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि बजाज की NS160 में क्या कुछ नए अपडेट हुए हैं और बाइक का जो प्राइस है वो कितना बढ़ाया गया है, तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों अगर हम इस बाइक की सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें तो जो सबसे पहले अपडेट किया गया है वो किया गया इस बाइक के सस्पेंशन में। अब इस बाइक में आपको USD फोर्क सस्पेंशन प्रोवाइड करवा दिया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही बढ़िया अपडेट है। इसके अलावा दोस्तों इस बाइक में आपको कंपनी ने डुअल चैनल ABS का फीचर भी प्रोवाइड करवा दिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अपडेट है और बहुत ही अच्छा अपडेट है। आज के समय में सेफ्टी के लिए जो डुअल चैनल ABS है वो सभी बाइकों में आना चाहिए, तो बजाज ने फाइनली अपनी NS160 में भी आपको डुअल चैनल ABS का फीचर प्रोवाइड करवा दिया है। इसके अलावा अगर हम इस बाइक के तीसरे चेंजेस के बारे में बात करें तो वो किया गया इस बाइक के इंजन में। अब इस बाइक में आपको OBD2 सेंसर वाला BS6 फेस 2 वाला इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। और इसके अलावा अगर हम इस बाइक के चौथे अपडेट के बारे में बात करें तो बाइक में आपको नए कलर, नए ग्राफिक्स और नई थीम देखने के लिए मिलेगी, जो देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इस बाइक के पांचवें अपडेट के बारे में बात करें तो बाइक के मीटर कंसोल में फाइनली गियर पोजीशन इंडिकेटर को भी ऐड कर दिया गया है, जो कि आपको NS200 और NS160 दोनों ही बाइक में देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक काफी अच्छा अपडेट है। दोस्तों इसके अलावा बाइक में कोई और अपडेट नहीं किया गया है। बाइक में आपको जितनी भी मेजर कमियां देखने के लिए मिलती थी फाइनली कंपनी ने उसे नए अपडेट के साथ फिक्स कर दिया है। अगर कंपनी इस बाइक में आपको LED हेडलाइट के साथ LED इंडिकेटर का सेटअप भी प्रोवाइड करवा देती और बाइक के मीटर कंसोल को भी अपग्रेड कर देती तो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल मजा आ जाता। अब इस बाइक में मुझे मात्र 2-3 कमियां देखने के लिए मिलती है। पहली यह है कि इस बाइक में आपको हैलोजन हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलता है, और दूसरी इस बाइक का जो मीटर कंसोल है वो बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका है, तो कंपनी को मेरे हिसाब से उसको भी अपग्रेड करना चाहिए था। दोस्तों इसके अलावा बाइक में आपको कोई और कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी, बस ये 2-3 कमियां अगर कंपनी फिक्स कर देना तो बाइक बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। तो फाइनली दोस्तों अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग और इस बाइक की लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो इस बाइक का जो प्राइस है वो आपको 2.5 से 3 हज़ार रुपए ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम इस बाइक की लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक इसी महीने बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि बजाज को इस बाइक में क्या कुछ और अपडेट करना चाहिए, मुझे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सुपर थैंक्स भी सेंड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय और टेक केयर।